this castle of sand. We hear the rush in the wind. तो मेरी आज की डिश है तंदूरी फिश, लाजवाब फिश, जो आपको मैं अवन में बनाना बताती हूँ, ताकि हमको ऑयल कम खाना पड़े और फिश भी मजेदार हो जाए। भाई अवन में क्या है ना कि आपको बगैर ऑयल के बन जाती है और मजेदार भी होती है। तो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ तंदूरी फिश। तो फिर बातें ना करते हुए पहले झटपट आपको बताती हूँ। ले रही हूँ 2 चम्मच दही, 1 चम्मच ले रही हूँ रेड चिली, 1 चम्मच ले रही हूँ बेसन और जीरा पाउडर ले रही हूँ 1/2 चम्मच और ये है मेरा तंदूरी मसाला। आप कोई भी तंदूरी मसाला मालता यूज कर सकते हैं। और जरा सी लूंगी मैं हल्दी, थोड़ा सा फ्रूट कलर, फ्रूट कलर से क्या है ना राइस के इसमें कलर अच्छा आ जाता है। और अब मैं ले रही हूँ पीसी भी काली मिर्च, यानी कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो बस थोड़ा सा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बताइए गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, जैसा हो कमेंट में बताइएगा। इसको मैं अच्छे से बीट कर लूंगी, एकदम बिल्कुल दही जो एकदम अच्छे से चिकना कटेंगे। और इसमें डालने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी। तो देखिए गाइस, ये मेरा मसाला एकदम चिकना हो गया है। और मैं इसमें फिश मिलाने जा रही हूँ। फिश है इसको मैंने साफ सुथरा कर दिया नींबू और नमक से, थोड़ा सा गेहूँ को आटा लेके इसको अच्छे से साफ कर लिया है, इसकी स्किन से साफ कर लिए। और जब ये निचल गई तब मैं अब इसमें मिर्च मिलाने जा रही हूँ। तो देखिए गाइस, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, थोड़ी थोड़ी डालते जा रही हूँ, मिक्स करते जा रही हूँ। लग रहा है मेरा बर्तन छोटा है, मुझे बर्तन चलेगा। चलिए अभी देखते हैं। तो देखिए गाइस, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें 1/2 लेमन भी डाल दे रही है। यकीन मानिए जब ये बन जाती है तो इतनी टेस्टी होती है कि हम आपको क्या बताएं। और विदाउट ऑयल बनती है, यानी कि जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम वगैरह हो तो ये ओवन में बना के खाएं, इतनी स्वादिष्ट ये तंदूरी फिश होती है, मैं क्या बताऊँ। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 2 घंटे तक मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो गाइस, इसको मम्मा ने 2 घंटे फ्रीज में रखने के बाद अब हम लोग माइक्रोवेव करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं माइक्रोवेव करूंगी ऑटो मेन्यू पे, सी फूड ऑटो मेन्यू पे मैं करने वाली हूँ। तो आगे चलिए करते हैं फिर हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑटो मेन्यू सेलेक्ट करती हूँ हमारे कौन से। तो यहाँ पे मेरा जो ऑटो मेन्यू वो 8 है। अब हम लोग अपने ऑटो मेन्यू का नंबर देख लेते हैं। तो मेरा ऑटो मेन्यू का नंबर है A146। इसको करने के बाद हम लोग इसका वेट करते हैं। तो यहाँ पे मम्मा ने 5 ग्राम्स लिया है, 500 ग्राम्स। तो यहाँ पे अब हम लोग बंद कर देते हैं और इसको चालू कर देते हैं। तो ये ऑटो मेन्यू पे लग गया है। तो देखिए कि गाइस, मेरी फाइनल डिश तैयार हो गई है। ये मेरा तंदूरी फिश, आप लोग अपने घर पे बनाइए और अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली को खिलाइए। तो फिर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरी रेसिपी में। बाय।